खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। और इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ श्रम नियोजन मंत्री झारखंड से जुड़ गए हैं सत्यानंद भोक्ता। सत्यानंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी पर। धन्यवाद जी। सत्यानंद जी, लगातार अगर हम झारखंड की बात करें जहां पर कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 46 है, पूरे देश की बात करें तो ये आंकड़ा 20,000 के पार पहुंच गया। इन सब के बीच श्रम नियोजन मंत्री हैं आप, श्रम विभाग को लेकर अगर बात की जाए तो क्या कुछ सरकार की तरफ से काम किए जा रहे हैं? देखिए, राज्य सरकार के तरफ से बहुत सारे कोरोना से निपटने के लिए बहुत सारे योजनाएं भी चलाए जा रहे हैं। गरीबों के बीच में मास्क का वितरण, हैंड वॉश, सैनिटाइजर, जरूरतमंद लोगों के बीच में गरीबों के लिए चावल, आटा, तेल, साबुन, सोडा, जो जरूरतमंद सामान है वो सभी राज्य सरकार उपलब्ध करवा रही है। राशन की बात करें तो राशन को लेकर क्या कुछ व्यवस्था की गई है सरकार की तरफ से? राज्य में जितने कार्डधारी हैं सभी कार्डधारियों के बीच में हम लोग दो दो महीना का 70 kg करके चावल दे दिए। और जो राशन का जिनका नहीं है वैसे परिवार को हम लोग, जो ऑनलाइन है जिनका राशन कार्ड नहीं बना है उनके भी 2 महीना का खाद्यान्न, जो ऑनलाइन नहीं है और जिनका राशन कार्ड नहीं उनका भी हम लोग राशन 20 kg करके दे रहे हैं। और कोई व्यक्ति पानी से प्यासे अन्न के भूखे नहीं रहे, ये सरकार का पूरा प्रयास है। सत्यानंद जी, क्या लगता है अगर हम स्वास्थ्य विभाग को लेकर बात करें, क्या कुछ स्थिति है वहाँ की? स्क्रीनिंग किस हद तक की जा रही है और साथ ही जो टेस्ट है और उसका जो लगातार ये कहा जा रहा था कि काफी कम संख्या में टेस्ट हो पा रहे हैं, पूरे देश में ही लगभग इस तरह की स्थिति थी, लेकिन अब वहां पर क्या कुछ हालात हैं? झारखंड में जिस तरह से कोरोना महामारी का शुरुआत हुआ, जिस तरह से फैला, उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जगह जगह पर अपना विधि व्यवस्था डॉक्टर से लेकर के सभी मंत्रियों की जिम्मेवारी दिए, सब अधिकारियों की जिम्मेवारी दिए। अब बहुत झारखंड जो ऐसे कंट्रोल में है, अब बेहतर है, अब इसे उम्मीद नहीं कि आगे कुछ हो सकता है। बिल्कुल, जाहिर सी बात है क्योंकि बाकी राज्यों के साथ अगर तुलना की जाए तो झारखंड में स्थिति फिर भी काबू में है। लेकिन इन सब के बीच अगर हम बात करें, जिस तरह से पहले ही कहा जा रहा था कि 20 अप्रैल के बाद कृषि से जुड़े जो तमाम इलाके हैं उनको लेकर छूट की जाएगी, मजदूरों के सामने भी तमाम तरह की समस्याएं हैं क्योंकि इस तरह लॉकडाउन की जिस तरह की इससे स्थितियाँ हैं, रोजी रोटी का संकट और राशन की व्यवस्था कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा है। हर व्यक्ति तक सरकार द्वारा जो भी लाभ पहुँचाया जा रहा है वो पहुँचना कहीं ना कहीं सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री हमारे जो हैं हेमंत सोरेन जी, उनका इच्छा शक्ति है, बधाई के पात्र हैं कि जितने यहाँ मजदूर हैं उनके मनरेगा के तहत, प्रधानमंत्री सहज योजना के तहत कई यहाँ फैक्ट्रियाँ भी हैं, कुलवरी भी है और विभिन्न योजनाएँ चलाए जा रहे हैं कि हर लोगों को यहीं रोजगार दें ताकि दूसरे पर जाना नहीं पड़े। तो सभी को नियम कानून को ध्यान में रखते हुए लगभग मजदूरों के हम लोग काम देने के पूरा सरकार प्रयास कर रही है और कुछ काम शुरू भी हो गया है। कृषि को लेकर क्या कुछ छूट दी जा रही है आपके राज्य में? कृषि के क्षेत्र में अभी कृषि मोबाइल ऐप चालू हुआ है, जिनको जो किसान का जो जरूरत है वो अपना ऐप नंबर से अपना चालू करेंगे तो सारा सामान होम डिलीवरी मिल जाएगा। किसान के अभी आ गया खेती करने का समय, हल जोतने का है तो उनका इस वर्ष ट्रैक्टर से फ्री मुहैया कराया जाएगा, हल जोता है फ्री किया जाएगा, बीज जो है से 90% के अनुदान में दिया जाएगा। किसानों को हर तरह से उत्पादन को दुगुना करने के लिए सरकार खाद, बीज, पंप सेट, सिंचाई के क्षेत्र में कुआं, चेकडैम सारा सरकार उपलब्ध करवा रही है। बिल्कुल, लेकिन इन सब के बीच जिस तरह से देखा जाए अगर हम बाकी और चीज़ों की बात करें, आप आंगनवाड़ी अगर सेंटर्स की बात करेंगे तो 40,000 ऐसे सेंटर्स हैं जो बंद हैं, वहाँ पर जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको लेकर सरकार की तरफ से क्या व्यवस्था की गई है? जितने गर्भवती महिलाएं हैं और जो स्कूल के बच्चे जो खाना मिलता था हम लोग लगभग सब जगह हम लोग चालू कर दिए हैं कि अपना नियम कानून का पालन करते हुए
और जो पोषाहार मिलता है बच्चों को, स्कूल में जो खिचड़ी मिलता था बच्चों को खाने के लिए, सब धीरे धीरे हम लोग शुरुआत भी कर दिए हैं। और जितने मजदूर हैं जिनको भोजन के लिए दिक्कत होता है, वो लॉकडाउन के माध्यम से फंसे हुए हैं अपने घर में, गांव में, पंचायत में, हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय को बधाई देते हैं कि उनके लिए मुख्यमंत्री दीदी किचन पूरे राज्य में लगभग 8,000 संचालित है, भर पेट दो बहन भर का भोजन मिल रहा है। और शहर में मुख्यमंत्री दाल भात योजना, उसके तहत शहर में भी भरपेट भोजन मिल रहा है। यानी झारखंड में एक तरह से कहा जाए कि यहाँ खाने का, रहने का, पानी का, विधि विधान कोई कहीं दिक्कत नहीं है। सरकार गंभीर और संवेदनशील है। हम लोग सुबह शाम अपने अपने विभाग में भी काम कर रहे हैं, मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। लेकिन जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है, उनके पास किस तरह से व्यवस्था हो रही है राशन की? जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको आवेदन ले रहे हैं डायरेक्ट मुखिया के थ्रू, अब उनको 20 kg हम लोग अनाज दे रहे हैं। और पदाधिकारी जो हमारे प्रखंड के जो BDO होते हैं, CO होते हैं, थाना अध्यक्ष जो होते हैं, सभी गांव-गांव में घूम रहे हैं कि किनका क्या जरूरत है, क्या कमी है। और बहुत समाज से भी हमारे कचकर्ता भी घूमते हैं अपना नियम कानून पालन करते हुए। लेकिन आप जिस तरह से बात करें, आप पौष्टिक आहार की बात करें, क्योंकि वो भी मिलना महिलाओं, गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए ज़रूरी है, तो क्या कह सकते हैं रेडी टू ईट जो मील था उसको लेकर एक बार फिर से डिमांड की जा रही है, इसको लेकर कुछ प्लानिंग है सरकार की तरफ से? नहीं, सरकार के जो गर्भवती महिलाओं के जो संसाधन उपलब्ध है, जो पूर्व में दिया जाता था, तो अभी जो है लॉकडाउन को देखते हुए भी हम लोग गर्भवती महिलाओं के बीच में हम लोग पहुँचवा रहे हैं पोषाहार और मिल रहा है। मतलब झारखंड में ऐसा कहीं शिकायत नहीं कि मिल नहीं रहा है। स्वास्थ्य विभाग को लेकर क्या कुछ, अगर हम केंद्र की तरफ से बात करें, जो लगातार ये कहा जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से कि टीम वर्क की यहाँ पर जरूरत है, सबको साथ लेकर चलने की जरूरत है, तो केंद्र की तरफ से क्या कुछ सुविधाएं आपको मिल रही हैं? देखिए, अभी तक भारत सरकार से कोई सहयोग नहीं मिला है, लेकिन जो जहाँ हॉस्पिटल है, जो डॉक्टर हैं, जो व्यवस्था होनी चाहिए, तो मेरे पास जो राज्य सरकार के पास संसाधन है उसी को हम लोग ठीक ठाक करके अच्छा बेहतर तरीके से हम लोग चला रहे हैं, चल भी रहा है। और हमारे झारखंड राज्य से लगभग अदर स्टेट में 9,22,000 बाहर में लोग काम करते हैं, उसमें से लॉकडाउन के देखते हुए लगा के फिर हम लोग को मौका नहीं मिलेगा। कितना लोग पैदल झारखंड चले आए हैं, कितना साइकिल से आए हैं, कितना जो से ट्रैक्टर से, टेम्पो में जो बाहर काम करते, सभी लोग लगभग 1,00,000 आ गए हैं। और जो मजदूर को जहां रहने में दिक्कत हो रहा है, खाने में दिक्कत हो रहा है, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सीनियर IAS को नोडल पदाधिकारी बनाए हैं। सभी को रहन सहन और खाने के लिए सारा समुचित व्यवस्था की जा रही है। और पूरे झारखंड में, अगर एक झारखंड में ग्रिड डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर 2,76,000 मजदूर हैं जो अदर स्टेट में काम करते हैं। और वहाँ पूरे ऑल इंडिया में अगर कहीं झारखंड का मजदूर है तो महाराष्ट्र में है 1,67,000। वहाँ के लगभग हम सभी मजदूरों से बात भी कर रहे हैं, अधिकारी भी बात कर रहे हैं, और उनका जो जरूरतमंद है उसको पूरा करने प्रयास कर रहे हैं। जो महाराष्ट्र में मजदूर की आप बात कर रहे हैं, जो वहाँ पर ज्यादा से ज्यादा मजदूरों की संख्या, जो लोग वहाँ पर हैं, लॉकडाउन हो गए हैं, और वहाँ से प्रयास उनकी तरफ से भी किया जा रहा था कि वो किसी तरह से झारखंड या जहाँ भी उनका घर है वहाँ पहुँच सके, और इसके बाद प्रशासन की तरफ से उनको भीड़ भी कम कराई गई, कुछ दिन पहले जो तस्वीरें आई थी, तो उसको लेकर क्या व्यवस्था है झारखंड सरकार की तरफ से, जो मजदूर लॉकडाउन में फंसे हैं बाहर राज्यों में, जैसे आपने मुंबई की बात की? जो मजदूर फंसे हैं लॉकडाउन में, उनको मोबाइल ऐप चालू किया गया है, उसमें से 2,00,000 मजदूर का अप्रूव हो गया है कि उनका एड्रेस प्रूफ सब सही है, झारखंड के निवासी हैं, महाराष्ट्र में फंसे हुए हैं, चेन्नई में हैं, चाहे गोवा में हैं, और किसी भी प्रदेश में हैं, तो उनको खाते में पैसा जा रहा है यहाँ से, मतलब एक दो दिन के अंदर खाता में पैसा चला जाएगा, जिस तरह से मोबाइल ऐप के माध्यम से आएगा, सभी को पैसा दिया जाएगा। ठीक है, एक और आपसे आखिरी सवाल, लालू जी की पार्टी से आप सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगे कि तबियत कैसी है, और साथ ही पैरोल पर उनको छुड़ाने की जो कोशिश की जा रही है उसको लेकर क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, कब तक छूट जाएंगे? देखिए, हम लोग माननीय लालू प्रसाद यादव जी हमारे राष्ट्रीय नेता हैं, गरीबों के नेता हैं, गरीब की आवाज हैं। अब जहाँ जुडिशरी मामला है तो नियम कानून को देखते हुए हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं। सरकार से भी मांग, हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से बात किए हैं कि उनको
72 बरस उम्र है कम से कम उनको, ये कोरोना महामारी में उनको यहाँ से छोड़ा जाए पैरोल पर, तो महाधिवक्ता महोदय से राय लिया गया है, जैसे राय आएगा तो उस पर कुछ विचार किया जाएगा, अभी प्रोसेस में है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए।